हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू मोबाइल मैनेजर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने मोबाइल में रिंगटोन सेट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे मोबाइल में रिंगटोन चल रही है दोस्तों, वो हमको पसंद नहीं आ रही है। जो रिंगटोन रिंग हो रही है दोस्तों, वो हमको पसंद नहीं है, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, किस तरह एंड्रॉयड फ़ोन में हम अपनी रिंगटोन को चेंज करते हैं या फिर अपनी मनपसंद की रिंगटोन कैसे लगाते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, हम रिंगटोन कैसे चेंज करें, तो चलिए दोस्तों ओपन करते हैं अपने मोबाइल की सेटिंग्स। दोस्तों, हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पर क्लिक करना है, हमने किया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे नीचे देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडवांस्ड पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, यहाँ पर देखिए फ़ोन रिंगटोन सिम वन, इसमें दोस्तों दो सिम हैं मेरे मोबाइल में, अभी एक विजिबल नहीं है क्योंकि मैंने ऑफ़ कर रखी है। तो दोस्तों, आप सिम वन में जब भी किसी का कॉल आता है उसकी रिंगटोन हमको चेंज करनी है, तो दोस्तों कैसे करेंगे, तो दोस्तों इस पर हम अब क्लिक कर देंगे। हमने क्लिक किया, ये दोस्तों हमारी रिंगटोन है, इनमें से जो भी हमें पसंद आ रही है उस पर हम क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ओके पर जैसे मैंने ये वाली रिंगटोन है इसको मैं करना चाहता हूँ, तो दोस्तों इसको मैं ओके कर दूँगा कुछ इस तरह। तो दोस्तों ये सेट हो गई, अब कोई भी कॉल आएगा तो दोस्तों यही रिंगटोन मेरे में रिंग होगी। तो दोस्तों, अब हमको अपने मोबाइल में अपने मनपसंद की रिंगटोन लगानी है, यानी कि दोस्तों कोई रिंगटोन हमारे मोबाइल में पहले से सेव है या कोई गाना है, तो दोस्तों उसको इस लिस्ट में हम कैसे ऐड करेंगे, यानी कि उसको हम रिंगटोन कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तो कुछ लिमिटेड ही रिंगटोन है, तो दोस्तों उसको हमको ऐड करना होगा, इसमें जो भी गाना है या रिंगटोन है उस ऑडियो को हमको इसमें ऐड करना होगा। तो दोस्तों हम उसको ऐड कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों ऐड रिंगटोन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये फोल्डर ओपन हो गया है, तो दोस्तों यहाँ पर ये थ्री पॉइंट्स हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑडियो पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स आ गई हैं। दोस्तों इसमें हमारा ऑडियो है, डाउनलोड गाने हैं, और जो भी आप सेट करना चाहते हैं अपने अपने मोबाइल के हिसाब से या अपने हिसाब से, तो दोस्तों इसमें से हम देख लेंगे कि हमारा गाना कहाँ पर है या हमारी रिंगटोन कहाँ पर है, दोस्तों वो आपको ढूंढना होगा इसमें। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल आपको दिखाने के लिए कोई भी एक फोल्डर चुन लेते हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह का, इस पर हमने क्लिक किया। इसमें एक रिंगटोन है या फिर गाना, समझ लीजिए गाना है दोस्तों। तो दोस्तों इस पर हम अब क्लिक कर देंगे, हमने इस पर क्लिक किया तो दोस्तों ये गाना अब यहाँ पर ऐड हो गया होगा। अब हम देखते हैं कहाँ पर, ये देखिए दोस्तों उसका ही बना ये गाना था हमारा। अब हम इस पर हम क्लिक करके ओके पर हम क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह। तो दोस्तों इस तरह हम अपने मोबाइल में, देखिए यहाँ पर हो गया है। तो दोस्तों इस तरह हम अपने मोबाइल में अपने मनपसंद की रिंगटोन लगा सकते हैं या रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।